नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। उन्होंने रविवार को शाम 4:30 बजे गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। मिली जानकारी के मुताबिक चेतन चौहान का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पिछले एक महीने से उनका इलाज चल रहा था। उनके छोटे भाई पुष्पेंद्र चौहान ने कहा कि कोविड-19 से संबंधित समस्याओं की वजह से उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को चेतन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उन्हें SGPGI में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद उन्हें किडनी और ब्लड प्रेशर की समस्याएं शुरू हो गई, जिससे वो उभर नहीं पाए और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। चेतन चौहान का जन्म 21 जुलाई 1947 को यूपी के बरेली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर एक क्रिकेटर के तौर पर शुरू किया था। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के साथ सलामी भूमिका निभाने वाले चेतन चौहान ने अपने टेस्ट करियर में 3000 रन बनाए थे। इन्होंने गावस्कर के साथ मिलकर कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें ओवल का मैच कोई नहीं भूल सकता है। साल 1989 में ओवल भारत के लिए पहले विकेट के लिए 213 रनों की साझेदारी की और उस समय की 203 रनों की सबसे लंबी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ा था। इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच साल 1969 में खेला था, जबकि इन्होंने अपना पहला वनडे साल 1978 में खेला था। चेतन चौहान 40 टेस्ट और 7 वनडे मैच खेले थे और इन्होंने 284 टेस्ट रन और 153 वनडे रन बनाए। भारत के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर 97 रहा। चेतन चौहान कभी भी अपने पूरे करियर में एक भी शतक नहीं लगाया था। बावजूद इसके वो बिना शतक लगाए टेस्ट क्रिकेट में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे, जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 21 शतक और 59 अर्धशतक हैं। उन्होंने 1981 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी बार इंटरनेशनल मैच खेला था। गावस्कर और चौहान की जोड़ी ने टेस्ट की 60 पारियों में 11 शतकीय साझेदारियां की थी। चेतन चौहान क्रिकेट के बाद अब चेतन चौहान यूपी कैबिनेट में खेल मंत्री की भूमिका निभा रहे थे। वो 2 बार BJP के टिकट पर सांसद भी चुने गए थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में चौहान के पास खेल मंत्रालय के अलावा सैनिक कल्याण, होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय था। चेतन ने साल 1991 में अमरोहा से BJP के टिकट पर चुनाव लड़ा था और लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद वो साल 1998 में भी सांसद चुने गए थे। मौजूदा समय में वो अमरोहा जिले की नौगावा विधानसभा के विधायक थे। बहरहाल, चेतन चौहान अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन क्रिकेट जगत में उनके योगदान को आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।